Good evening, everyone. Welcome to ProTalent, and I'm Nitin Parmar. I welcome you all for this wonderful session on critical reasoning. This is a part of your CLAT 2020 crash course. My dear students, this is our fourth session on this logical reasoning. Here we are discussing about critical reasoning questions. If my sound and video quality is okay, say yes, we can start. Okay, that's number one. And number two, I expect that none of you will have any kind of discussion except if you have a doubt on what we are discussing. Okay, so please tell me that. Okay, if the sound is good, say yes. Okay, if the sound is good, say yes, I can start talking about it. Okay, great. I think this is pretty good. People are, you can say, saying hello. Yes, great. I think I can start. My dear students, the objective of this critical reasoning question discussion part is exposing you to varieties of the questions, exposing you to varieties of the arguments, trying to help you out to think in a particular, you can say, right manner. Many times, many students feel ki sir ye jo video sessions mein jo aap questions karate hain wo hume bahut chahiye. ठीक है. एंड देर आर सम स्टूडेंट्स हु फील कि सर ये वीडियो में जो क्वेश्चंस कराते हैं ठीक है वो हमें फायदा नहीं होता है. ठीक है. सो आई विल एड्रेस बोथ द इश्यूज. नंबर वन, अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो के साथ जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं अगर उसको फायदा नहीं हो रहा है तो दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से डेवलप हुआ या नहीं हुआ उसके लिए ये वीडियो है. और जो एक्सप्लेनेशन जो आपको जिस नजरिए से चाहिए है ना, जो एक थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में जाना चाहिए उस लिए ये वीडियो का डिस्कशन है. ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ डिस्कशन विल गो फॉर सम अराउंड 5 मोर सेशंस. ठीक है. दिस इज अ सेकेंड सेशन ऑन क्रिटिकल रीजनिंग. उसके बाद और 3 वीडियोज आएंगे. उसके बाद विल बी गोइंग फॉर अ सेक्शनल टेस्ट. ओके. फिर जो वीडियो सेशंस आएंगे उसमें क्या होगा दैट वी विल बी गिविंग यू सम राउंड यू कैन से 1 आवर बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ वीडियो विल गिव यू अ टेस्ट. ओके. आप वो टेस्ट लिखेंगे फिर उस टेस्ट का डिस्कशन का लाइव वीडियो होगा. दिस इज व्हाट विल बी डूइंग इन द कमिंग फ्यू डेज. ओके. सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड. ठीक है. आपको इसमें बड़ा फायदा होने वाला है. सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड. अभी के लिए आप इधर फोकस करिए. ओके. ग्रेट दोस्तों. आई थिंक दिस इज रियली अ यू कैन से गुड पार्ट. ओके. चलिए ग्रेट. सो दोस्तों आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कनेक्टेड नहीं है प्लीज अवॉइड यू कैन से डूइंग दैट काइंड ऑफ डिस्कशन. ओके. सो प्लीज फोकस करिए कि जो आप यहीं पे क्वेश्चंस पूछे जो क्रिटिकल रीजनिंग के हैं वो. ठीक है. ओके. सो इवन डोंट आस्क मी अ क्वेश्चन कि सर ये कोर्स जो क्रैश कोर्स है वो सफिशियंट है कि नहीं. ठीक है. उसमें ये फायदा होगा नहीं फायदा होगा काइंड ऑफ स्टफ. सो वी विल कीप अ सेपरेट सेशन ऑन आस्किंग दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके. मेरा ऑब्जेक्टिव है दैट आई फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर सेशन टुडे. ओके. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट. लेट्स स्टार्ट. ग्रेट. चलिए देखते हैं इसको करते हैं फटाफट. पहला सवाल आपके सामने आ रहा है. ओके. जस्ट अ मिनट. यस यस दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. पहला सवाल आ रहा है जो बोला जाता है. ड्राइवर बोलते हैं माय फ्रेंड्स से आई विल वन डे हैव एन एक्सीडेंट बिकॉज आई ड्राइव माय स्पोर्ट्स कार रेकलेसली. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेकलेसली. रेकलेस का मतलब होता है बेफिक्र वे में ड्राइव करना. ठीक है. रेकलेस इज बेफिक्र होना. बट आई हैव डन सम रिसर्च एंड अपेरेंटली मिनी वैन्स एंड लार्जर सेडान्स हैव वेरी लो एक्सीडेंट रेट्स कंपेयर टू स्पोर्ट्स कार. सो ट्रेडिंग माई स्पोर्ट्स कार इन फॉर अ मिनी वैन वुड लोअर माई रिस्क ऑफ हैविंग एन एक्सीडेंट. है ना. बहुत मजेदार बोला. ठीक है. ये ऐसा बोलता है कि दोस्तों मैंने सुना है कि टू व्हीलर चलाने से बाइक चलाने से एक्सीडेंट होता है. ठीक है. है ना. क्योंकि मैं बाइक बहुत रेकलेसली चलाता हूँ. ठीक है. और मैंने ये भी सुना है कि साइकिल चलाने पर. ठीक है. अब यहाँ पे इन्होंने कुछ और नाम दिया है बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. साइकिल चलाने से कम एक्सीडेंट होता है. ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ मैं बाइक की जगह पे साइकिल चलाऊंगा. ठीक है. सवाल क्या आएगा यहाँ पे कि उसके आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ क्या है. द रीजनिंग इन ड्राइवर्स आर्ग्यूमेंट इज मोस्ट वल्नरेबल टू अ क्रिटिसिज्म ऑन द ग्राउंड दैट हिज आर्ग्यूमेंट. ओके. क्या उसमें एक ऐसे फ्लॉ है. ओके. द रीजनिंग इन ड्राइवर्स आर्ग्यूमेंट इज मोस्ट वल्नरेबल टू द क्रिटिसिज्म ऑन द ग्राउंड दैट द आर्ग्यूमेंट इन्फर्स अ कॉज फ्रॉम
a mere correlation. Okay, what is a correlation? The correlation is driving minivan reduces the risk. Okay, and he is finding out that this would be a cause. Okay, theek hai, shayad ho sakta hai. He relies on sample that is too narrow. Is there any sample being talked about? No, this is very easy to remove. Number C, misinterprets evidence that a result is likely as evidence that the result is certain. Okay, so kya bolta hai? Evidence ko misinterpret karta hai. Kaise misinterpret karta hai? Ki jo result likely hai, usko wo result certain hai maan leta hai. ठीक है, ऐसा उसने नहीं किया. उसने ये बोला कि मिनीवैन और जो स्पोर्ट्स कार है उनके बीच में ही उसने कनेक्शन डेवलप किया था. सो देयरफॉर दिस इज रियली नॉट एक्सेप्टेबल. मिस्टेक्स अ कंडीशन सफिशिएंट फॉर ब्रिंगिंग अबाउट अ रिजल्ट फॉर अ कंडीशन नेसेसरी फॉर डूइंग सो. ठीक है, ही मिस्टेक्स अ सडन सफिशिएंट कंडीशन एज अ नेसेसरी कंडीशन. यहाँ पे सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन की यहाँ पे बातें नहीं है. ठीक है, सो ये भी नहीं होगा. रिलाइज ऑन अ सोर्स दैट इज प्रोबेबली नॉट वेल इन्फॉर्म्ड. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट राइट. मतलब ऐसे सोर्स जो वेल इन्फॉर्म नहीं है. ठीक है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है. सो आंसर क्या हो जाएगा? ए. इज दैट कंफर्टेबल विथ एवरीवन? आंसर वुड बी ए. ओके, ग्रेट दोस्तों. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो सम ऑफ यू गेव अ डिफरेंट आंसर लाइक बॉम्बे और दिल्ली और चेन्नई. ठीक है, माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. जो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा. ग्रेट, ठीक है. कैन यू मूव फर्दर? ठीक है, ओके ओके ग्रेट. चलो, आई एम मूविंग फर्दर एंड वी स्टार्ट विद द सेकेंड वन. ठीक है, देखिए दोस्तों ध्यान से, है ना, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ अभी. ठीक है ना, एडिटोरियलिस्ट है ना, जो एडिटोरियल लिखते हैं. ठीक है, एडिटोरियल जो लिखते हैं उनको एडिटोरियलिस्ट बोल रहे हैं. ही सेज, ही राइट्स दैट न्यूज मीडिया रेयरली कवर लोकल पॉलिटिक्स thoroughly and local political business is usually conducted secretively. Okay, so news rarely cover local politics and that's the reason why local politics is happening in a secret manner. Is that comfortable? Great. These factors each tend to isolate local politicians from their electorates. That is the reason. So factors, whenever they say factors, okay, whenever they say factors, mean it to be a reason. Okay, जब भी वो आपको पैराग्राफ में बोले कि फैक्टर है, आप ऐसा मानिए कि वो कारण है. यही कारण है जिसकी वजह से लोकल पॉलिटिशियन अपने आप को जो लोकल इलेक्टोरेट है उनसे आइसोलेट करते हैं. ओके, दिस हैज इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द चांस दैट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ रेसिडेंट पार्टिसिपेशन विल एलिसिट अ पॉजिटिव ऑफिशियल रिस्पॉन्स. ठीक है, विच इन टर्न डिस्करेजेस रेसिडेंट पार्टिसिपेशन इन लोकल पॉलिटिक्स. ठीक है, अब ये बहुत मजेदार बोला, दिस हैज द इफेक्ट ऑफ, उसकी इफेक्ट क्या है? द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द चांस, ठीक है, दैट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ रेसिडेंट पार्टिसिपेशन विल एलिसिट अ पॉजिटिव ऑफिशियल रिस्पॉन्स. ठीक है, मतलब ये हुआ कि भाई अगर मानो देयर इज अ रेसिडेंट पार्टिसिपेशन इज कमिंग, जो लोकल रेसिडेंट है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और उसका एक पॉजिटिव ऑफिशियल रिस्पॉन्स आता है, उसका जो चांस है वो एकदम रिड्यूस हो जाता है. ठीक है ना, एंड जिसकी वजह से इट इन टर्न डिस्करेजेस रेसिडेंट पार्टिसिपेशन इन लोकल पॉलिटिक्स. तो रेसिडेंट पार्टिसिपेशन लोकल पॉलिटिक्स में जाते नहीं है, है ना, या तो वो रिड्यूस हो जाते हैं. क्यों रिड्यूस हो जाते हैं? बिकॉज दे फील दैट दी यू कैन से दे विल नॉट गेट अ पॉजिटिव ऑफिशियल रिस्पॉन्स. दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है, क्रिटिकल रीजनिंग में या कोई भी रीजनिंग के पार्ट के अंदर उन्होंने जो जो भी लाइनें लिखी है और जो स्टेप बाई स्टेप पॉइंट्स बोले, सब काम की चीजें हैं. ठीक है, हर एक का कोई ना कोई कनेक्शन डेवलप हो रहा है और वो कनेक्शन में कभी फ्लॉ ढूंढना है या कोई ऐसी परेशानी ढूंढनी है तो हमें आंसर मिलेगा वहां से. ठीक है, तो दोस्तों ये जो पार्ट था ना, इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द चांस, ठीक है, ऑफ दिस विल एलिसिट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, फिर उसकी वजह से डिस्करेज, ये जो बीच में स्टेप आया ना वो काम का था, इसको मिस नहीं करना चाहिए. ग्रेट, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द एडिटोरियलिस्ट स्टेटमेंट. ठीक है, हमें बताना है एडिटोरियल ने जो बोला,
ठीक है, वो नीचे में से कौन सा स्टेटमेंट उसकी बात को, है ना, उसकी बात को सपोर्ट करेगा। यस, कुछ लोगों ने सवाल पूछा, ठीक है, एलिसिट, ओके, एलिसिट इज अमित कुमार जी बोले निकालना, बिल्कुल सही बात है, एलिमिनेट्स, ठीक, सॉरी, एलिसिट का मतलब होता है कोई चीज को मतलब आउटपुट निकालना, ठीक है। सो आई एम एलिसिटिंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, ठीक है, व्हेन आई एम आस्किंग यू टू, लेट्स से फॉर एग्जांपल सब्सक्राइब अ चैनल, ठीक है, एंड देन आई एम फोर्सिंग सम ऑफ द अदर वे टू डू दैट, देन आई एम एलिसिटिंग अ रिस्पॉन्स, ओके, दैट इज अ मीनिंग हियर। इज दैट कंफर्टेबल विद एवरी वन? सो दोस्तों, इससे याद आ रहा है कि इस वीडियो को लाइक करना भूलिए मत, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, चलिए ग्रेट। सो देखते हैं, है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्टेड बाई एडिटोरियलिस्ट स्टेटमेंट? पहला, पर्टिकुलर एक्ट्स ऑफ रेसिडेंट पार्टिसिपेशन वुड बी लाइकली टू एलिसिट पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम लोकल पॉलिटिशियंस इफ दोज पॉलिटिशियंस वर लेस आइसोलेटेड फ्रॉम देयर इलेक्टोरेट, ओके, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि न्यूज वाले वो लोकल पॉलिटिशियन को कवर करते नहीं है, इसलिए वो उससे आइसोलेट हो रहा है, ठीक है, है ना, और आइसोलेट हो रहा है जिसकी वजह से इफेक्ट क्या आ रही है ना दोस्तों, ये समझिए, कॉज है और कॉज से इफेक्ट आ रही है, ठीक है। इफेक्ट क्या आ रही है, इफेक्ट ये आ रही है कि जो रेसिडेंट पार्टिसिपेशन है, ठीक है, वो हो नहीं रहा है। तो अब ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर पॉलिटिशियन लेस आइसोलेटेड नहीं होते तो रेसिडेंट पार्टिसिपेशन का अच्छा रिजल्ट आता, ठीक है। दोस्तों, कॉज के ऊपर से इफेक्ट जा सकते हैं, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन इफेक्ट विल ब्रिंग दैट कॉज। अगर बारिश होगी तो रास्ते गीले होंगे, अगर बारिश होगी तो रास्ते गीले होंगे, अभी रास्ते गीले हैं, दैट डज नॉट मीन कि बारिश हुई होगी। इज दिस कंफर्टेबल विद एवरीवन? ठीक है दोस्तों, एक ऑप्शन पक्का ऐसा होगा जो आपको फंसाएगा, ठीक है, दिमाग में अभी नोट कर लीजिए, ठीक है, आपके पास नोट और कॉपी हो तो उसको अच्छे से लिख दीजिए कि एक ऑप्शन होगा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को अलग तरीके से प्रेजेंट किया होगा। मैंने आपको समझाया था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में सिर्फ दो तरीके के स्टेटमेंट सही है, या तो कॉज फॉलोड बाय इफेक्ट सही है, या तो दूसरा नॉट इफेक्ट फॉलोड बाय नॉट कॉज सही है, बस उसके अलावा और कुछ सही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश नहीं हुई है, सॉरी, अगर रास्ते गीले नहीं है तो बारिश भी नहीं हुई होगी, ये चलेगा, ठीक है, बस ये दो ही तरीके चलेगा। और ओके, आई थिंक दिस इज ओके, ग्रेट ग्रेट, ओके, आई डोंट नो ये वीडियो कहां से रुका था, आई रिपीट फ्रॉम सी, ओके, सी का जो आंसर है, सी बोलता है ना, ठीक है, सी बोलता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अ रेसिडेंट्स डिसीजन एज टू वेदर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, फैक्टर है बट इज इट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज वेदर डाइसी सिनेरियो इज। सो यहां पे रिस्पॉन्स एक्सट्रीम है इसलिए नहीं चलेगा। अगला देखते हैं, मोर फ्रीक्वेंट, ठीक है, थरा कवरेज ऑफ लोकल पॉलिटिक्स वुड रिड्यूस एटलीस्ट वन सोर्स ऑफ डिस्करेजमेंट फ्रॉम रेसिडेंट पार्टिसिपेशन इन लोकल पॉलिटिक्स। मोर फ्रीक्वेंट थरा कवरेज ऑफ लोकल पॉलिटिक्स, देखिए दोस्तों, शुरुआत वहीं से हुई थी, है ना, न्यूज मीडिया इस चीज को बहुत रेयरली कवर करते हैं, अगर ये कवर करेंगे तो ये इसके बाद जो जो भी इफेक्ट क्रिएट हो रही है वो इफेक्ट क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ये बोलता है मोर फ्रीक्वेंट थरा कवरेज ऑफ लोकल पॉलिटिक्स वुड रिड्यूस एटलीस्ट वन सोर्स ऑफ डिस्करेजमेंट, यस, एटलीस्ट वन सोर्स ऑफ डिस्करेजमेंट, है ना, पूरा का पूरा तो नहीं कर पाएंगे पर एक सोर्स ऑफ डिस्करेजमेंट तो कर पाएंगे ना, सो दिस इज मोर यू कैन से एक्सेप्टेबल। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक्सेप्टेबल दुनिया है ना। ये देखते हैं, इफ रेसिडेंट पार्टिसिपेशन इन लोकल पॉलिटिक्स वर नॉट डिस्करेज दिस वुड कॉज लोकल पॉलिटिशियंस टू बी लेस आइसोलेटेड फ्रॉम देयर इलेक्टोरेट, ओके, रेसिडेंट पार्टिसिपेशन लोकल पॉलिटिक्स वर नॉट डिस्करेज्ड, ठीक है, ये तो उल्टा बोल रहा है ना, कि लोकल पॉलिटिशियंस आर आइसोलेटेड और इसकी वजह से जो रेसिडेंट पार्टिसिपेशन है वो नहीं आ रहा है,
ठीक है ना, तो ये भी गलत कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है, आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन मिलना जरूरी है, ये वही है कि किस तरीके से ऑप्शन आपको फंसा रहा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को किस अजीब अजीब तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इज दैट कंफर्टेबल टू एवरीवन? ग्रेट दोस्तों, ठीक है, चलिए ग्रेट, ओके, आई थिंक वीडियो इज क्लियर, इट इज ओके, यस, आंसर वुड बी डी, ओके, आंसर वुड बी डी, इज दिस कंफर्टेबल विद एवरीवन? ग्रेट, ओके, ठीक है, चलिए बी वाला एक्सप्लेन करूं, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, किसी के मन में डाउट हो बता दीजिए, बिकॉज बीच में थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, सो आई डोंट नो whether यू हैव रिमेंबर्ड what आई स्पोकन, ठीक है, ओके, क्या एक्सप्लेन करूं, कहां से करूं, बताइए दोस्तों, ओके, बताइए जल्दी दोस्तों फटाफट। आई थिंक वीडियो इज क्लियर, यस, वीडियो इज क्लियर, टेल मी इज वीडियो क्लियर और नॉट, नंबर वन, ठीक है, और एक्सप्लेन बी, यस, सेजल पृथ्वी बोल रहे हैं एक्सप्लेन बी, लोकल पॉलिटिशियन शुड बी कंडक्टेड, लोकल पॉलिटिकल बिजनेस शुड बी कंडक्टेड लेस सीक्रेटिवली, ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है कि लोकल पॉलिटिकल बिजनेस को सीक्रेटली शुड बी कंडक्टेड लेस सीक्रेटली, ठीक है, यहां टोन ऐसा था नहीं कि किसको क्या करना चाहिए, यहां सिंपली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट हो रही थी, ठीक है, इसकी वजह से जो बी है वो गलत है, ठीक है, बी क्योंकि उसका टोन गलत है, वो बोल रहा है कि किस तरीके से ये एक्टिविटी करनी चाहिए, यहाँ पे एक्टिविटी किस तरीके से करनी चाहिए, उधर बात नहीं थी, एक्टिविटी का कारण चालू हुआ कि न्यूज़ कवरेज कम होता है, न्यूज़ कवरेज से सीक्रेट होती है बातें, सीक्रेट होती तो रेसिडेंट पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ये सब रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, सो इसलिए टोन तो नहीं है, ठीक है, चलो ग्रेट, इज दिस कंफर्टेबल विद एवरीवन? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एंड वी गो टू दी नेक्स्ट पार्ट, ओके, नंबर थ्री, ओके, ठीक है, ऋतिक राज बोलते हैं सर ई में डिस्करेज वाला पार्ट नहीं समझ में आया, ठीक है, इफ रेसिडेंट पार्टिसिपेशन इन लोकल पॉलिटिक्स वर नॉट डिस्करेज, अगर रेसिडेंट पार्टिसिपेशन इन लोकल पॉलिटिक्स वर नॉट डिस्करेज, ठीक है, अगर उनको डिस्करेज नहीं करते हैं, अरे वो डिस्करेज नहीं करने का पॉइंट ही नहीं है, वो खुद डिस्करेज हो जाते हैं क्योंकि उनको ऑफिशियल रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, है ना, तो ये क्या बोलता है, कुछ अलग ही कहानी बोलता है कि अगर इनको हम डिस्करेज नहीं करेंगे तो, है ना, ठीक है, पॉइंट वहां जाना ही नहीं था, ये तो एकदम अजीब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, इज दिस कंफर्टेबल, समझ आ रहा है दोस्तों, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आई थिंक दिस इज कंफर्टेबल, यस, ठीक है, उदित गुप्ता पूछ रहे वाई नॉट सी, सी बोलता है एक्सट्रीम आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बोला, देयर आर फैक्टर्स बट उन सभी फैक्टरों में से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऐसा नहीं बोला, ठीक है, सो देयरफॉर दिस शुड नॉट बी द आंसर, आई थिंक दिस इज प्रीटी ओके, आई कैन मूव फॉरवर्ड, यस, फिलोसोफर क्या बोलते हैं, फिलोसोफर बोलते हैं एन एक्शन इज मॉरली राइट इफ इट वुड बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एग्रीगेट वेलबींग ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाई इट, ठीक है, कोई भी एक्शन मॉरली राइट तब होगी जब वो, है ना, इट वुड बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एग्रीगेट वेलबींग ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाई इट, वॉट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट वेलबींग ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाई इट, जो लोग इससे अफेक्ट होते हैं उन लोगों का, ज्यादातर लोगों का वेलबींग से इफेक्ट होता है ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इज दिस कंफर्टेबल, ग्रेट, ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों, वीडियो तो बराबर आ रहा है, मुझे तो यहां बराबर दिख रहा है, ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों, है ना, चलिए ग्रेट, ओके, एन एक्शन इज मॉरली रॉन्ग इफ एंड ओनली इफ इट वुड बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस एग्रीगेट वेलबींग ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाई इट, ठीक है, तो मॉरली रॉन्ग कब होगा, जब वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट वेलबींग ऑफ द पीपल इज रिड्यूसिंग, इट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस एग्रीगेट वेलबींग ऑफ द पीपल, ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों, ठीक है, ये बोलता है इफ, ठीक है, राइट कब होगा, इफ, ठीक है, और रॉन्ग कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ओके, रॉन्ग होने के लिए आपके पास यही एकमात्र कंडीशन है, ठीक है, और राइट होने के लिए बहुत सारे फैक्टर है, उनमें से एक फैक्टर है, ये सफिशियंट कंडीशन है,
ठीक है ना। और ये कैसी कंडीशन है, सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ये बात समझ में आई, वेरी गुड। दस एक्शंस दैट वुड बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू लीव अनचेंज्ड द एग्रीगेट वेलबींग ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाई देम आर ऑल्सो राइट, है ना, सही बात है, क्योंकि वो रॉन्ग नहीं है, क्योंकि रॉन्ग होने के लिए रिड्यूस होना जरूरी है ना, रॉन्ग होने के लिए उसका एग्रीगेट वेलबींग रिड्यूस होना जरूरी है, तो विच मीन्स अगर वो अनचेंज रहता है विच इज राइट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ग्रेट दोस्तों, ठीक है, ओके। फिलोसोफर्स कंक्लूजन फॉलोज लॉजिकली इफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एज्यूम्ड, ठीक है, नीचे में से क्या चीज हम एज्यूम करेंगे तो फिलोसोफर का आर्ग्यूमेंट हमारे लिए लॉजिकली वैलिड बनेगा। पहला पढ़ते हैं, ओनली रॉन्ग एक्शंस वुड बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द एग्रीगेट वेलबींग ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाई देम, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा बोला था कि जो भी रीजनेबली एक्सपेक्टेड रिड्यूस करेगा ना वो रॉन्ग है, ठीक है ना, ठीक है, और रॉन्ग होने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये है, ठीक है, ये तो क्लियरली स्टेटेड है, ठीक है, ये क्लियरली स्टेटेड है, देयरफॉर इट इज नॉट एज्यूम्ड, ओके, इसलिए ये एज्यूम वाले पार्ट में आएगा नहीं, क्योंकि ये तो क्लियर कट लिखा हुआ है। इज दैट कंफर्टेबल, ग्रेट, ओके। नो एक्शन इज बोथ राइट एंड रॉन्ग, अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि कोई भी एक्शन ऐसा राइट या रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो हम ऐसे दो भाग तो निकाल ही नहीं पाएंगे, ये सर नो, ठीक है, तो कोई एक ऐसा एक्शन है जो दोनों है, राइट है, ठीक है ना, नो एक्शन इज बोथ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी एक्शन नहीं है जो दोनों राइट है या रॉन्ग है, तो बात बराबर है कि भाई अगर एक राइट है, ठीक है, और एक रॉन्ग है, ठीक है, दिस इज मेरा मानना है, दिस इज एक्सेप्टेबल, हाँ, क्योंकि अगर जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब तक ये बात को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक हम वो मॉरली राइट और मॉरली रॉन्ग पे नहीं आ सकते। पर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सिर्फ राइट और रॉन्ग की बात हो रही है, हमारे पैराग्राफ में इट इज मॉरली राइट एंड मॉरली रॉन्ग की बात हो रही है, इसलिए बी कैन नॉट बी द आंसर, ठीक है, समझ रहे बात को, वेरी गुड। एनी एक्शन दैट इज नॉट मॉरली रॉन्ग इज मॉरली राइट, बहुत सही बात है, जो चीज मॉरली रॉन्ग नहीं है वो मॉरली राइट होगी, ठीक है, अगर ये हम एज्यूम करते हैं तो आगे जो कंक्लूजन आया वो वैलिड हो जाएगा, तो मेरा मानना है दिस इज वैलिड, ओके। डी देखते हैं, देर आर एक्शंस दैट वुड रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू लीव अनचेंज्ड द एग्रीगेट वेलबींग ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाई देम, यस देर आर एक्शंस विच आर ऑलरेडी मैंशन इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ में वो मेंशन कर दिया था, यस और नो, सो देयरफॉर दिस इज नॉट राइट आंसर, ठीक है, दोस्तों ये समझना, ठीक है, जब भी हमें एजम्पशन का सवाल हो तो पैराग्राफ में अगर कुछ ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, स्टेटेड है, वो कभी एजम्पशन नहीं होता, वो आप समझ लीजिए, ठीक है। ई ओनली राइट एक्शंस वुड हैव गुड कंसिक्वेंसेस, सिर्फ और सिर्फ राइट एक्शंस हैव गुड कंसिक्वेंसेस, हो सकता है, पर हमें चाहिए मॉरली राइट चीजों के बारे में, तो ये तो बात है ही नहीं, आंसर हो गया आपका वैलिड है सी, यस इंडीड सी इज द आंसर। इज दिस कंफर्टेबल विथ एवरीवन दोस्तों, ये आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ओके, चलिए ग्रेट, ठीक है, सो दिस इज राइट, सी इज राइट आंसर, ठीक है, ओके, चलिए ग्रेट, विच इज वेरी गुड, ठीक है, ओके, आंसर इज सी, वेरी गुड। चलते हैं नंबर फोर करने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था आगे वाला, ठीक है, दोस्तों ये देखिए, अच्छा गार्गी बोल रहे हैं सर हाउ कम नॉट डी, ओके, डी बोलता है देर आर एक्शंस दैट वुड बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू लीव अनचेंज्ड एग्रीगेट वेलबींग ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाय देम, एग्रीड, है ना, देर आर एक्शंस, है ना, पर भैया दस द एक्शन दैट वुड बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू लीव अनचेंज्ड एग्रीगेट वेलबींग, ये तो गिवन है ना, इट इज स्टेटेड कि जो भी ऐसी एक्शंस है स्टेटेड है ना, तो ये तो ऑलरेडी स्टेटेड है, अगर वो स्टेटेड है तो एज्यूम नहीं होगा, ठीक है, अच्छा कुछ लोग बोले सी दोबारा बता दो, ठीक है, अच्छा ठीक है, एनी एक्शन दैट इज नॉट मॉरली रॉन्ग इज मॉरली राइट, ठीक है, कैसे बोला कि यहाँ पे क्या हुआ पता है, जो अनचेंज एग्रीगेट वेलबींग है, ठीक है ना, वो कैसी होगी, अनचेंज्ड है, तो ये क्या था, इफ एंड ओनली इफ, मतलब
मॉरली रॉन्ग होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, उसका एग्रीगेट वेलबींग रिड्यूस होना चाहिए. अगर उसका एग्रीगेट वेलबींग अनचेंज रहा, रिड्यूस भी नहीं हुआ, इंक्रीज भी नहीं हुआ, अगर वो रिड्यूस नहीं हुआ है तो वो मॉरली रॉन्ग नहीं है. ठीक है, रिड्यूस हुआ नहीं है तो मॉरली रॉन्ग नहीं है. ठीक है, इन्होंने बोल दिया दैट इट ऑल्सो राइट, और वो सही है. सही होने के लिए एज्यूम क्या करना पड़ेगा, अगर जो मॉरली रॉन्ग नहीं है वो मॉरली राइट है. आई थिंक दिस इज प्रिटी ओके, ग्रेट दोस्तों. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर फोर. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी कंफर्टेबल. नंबर फोर चालू कर रहे हैं हम. कार कंपनीज सॉलिसिट कंज्यूमर इंफॉर्मेशन ऑन सच ह्यूमन फैक्टर्स एज वेदर अ सीट इज कंफर्टेबल और वेदर अ सेट ऑफ कंट्रोल्स इज इजी टू यूज. कंज्यूमर इंफॉर्मेशन वो मांग रहे हैं कैसे फैक्टर्स के ऊपर, ह्यूमन फैक्टर्स, कि आप जिस सीट पे बैठे हो वो कंफर्टेबल है कि नहीं, सेट ऑफ कंट्रोल आपको दिए जाते हैं वो कंफर्टेबल है कि नहीं. हाउएवर डिजाइनर इंटरेक्शन विद कंज्यूमर इज सुपीरियर टू सर्वे डेटा. ठीक है, अच्छा ये बात समझ में नहीं आई. डिजाइनर इंटरेक्शन विद कंज्यूमर्स इज सुपीरियर टू सर्वे डेटा. ठीक है, मतलब अगर मैं डिजाइनर हूं कार का और मैं कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट करूं वो बेहतर है कंपेयर टू सर्वे लोगों से किया जाता है कि भाई आपको ये सीट कैसी लगी, आपको कंट्रोल कैसे लगे, है ना. वैसा द डेटा में टेल द डिजाइनर वाई अ फीचर ऑन लास्ट ईयर्स मॉडल वॉज गिवन अ लो रेटिंग, बट डेटा विल नॉट एक्सप्लेन हाउ द फीचर नीड्स टू बी चेंज्ड इन ऑर्डर टू रिसीव हायर रेटिंग. डेटा ये बताएगा कि उन्होंने जो मॉडिफाई किया लास्ट ईयर उसको लो रेटिंग मिली, ठीक है, पर ये बताएगा नहीं कि कैसे उसको बदलना चाहिए. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, वेरी गुड. ठीक है, सॉलिसिट करना. ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. ठीक है ना, क्या पूछा, कार कंपनीज सॉलिसिट कंज्यूमर इंफॉर्मेशन. सॉलिसिट करना मतलब किसी से एक तरीके से मतलब कोई चीज मांगना, ठीक है, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मुझे ये दीजिए, दैट इज कॉल्ड सॉलिसिट. ओके, दैट इज कॉल्ड सॉलिसिट करना, दैट इज सीकिंग इंफॉर्मेशन. परफेक्ट है दोस्तों, सीकिंग इंफॉर्मेशन. ओके, इज दैट कंफर्टेबल टू एवरीवन, वेरी गुड. ओके, सो दोस्तों आपके मन में जैसे भी सवाल आए आप प्लीज पूछिए. ओके ग्रेट, ठीक है. ओके ओके ठीक है, द रीजनिंग अबोव कन्फर्म्स मोस्ट क्लोजली टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन. ठीक है, रीजनिंग अबोव कन्फर्म्स, कन्फर्म करना मतलब उसको फॉलो करना, उसके जैसा होना. ठीक है, चलिए ग्रेट, देखते हैं. गेटिंग कंज्यूमर इनपुट फॉर डिजाइन मॉडिफिकेशंस कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सक्सेसफुल प्रोडक्ट डिजाइन. ठीक है, सो रीजनिंग अबाउट कन्फर्म्स मोस्ट क्लोजली टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन. गेटिंग कंज्यूमर इनपुट फॉर डिजाइन मॉडिफिकेशन. ठीक है, कंज्यूमर से डायरेक्टली बात करना फॉर डिजाइन मॉडिफिकेशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ गेटिंग कंज्यूमर इनपुट. ठीक है, कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सक्सेसफुल प्रोडक्ट डिजाइन, कैसे सक्सेसफुल डिजाइन. ठीक है, यहां पे बोला दैट हाउ द फीचर नीड्स टू बी चेंज इन ऑर्डर टू रिसीव हायर रेटिंग. इन ऑर्डर टू रिसीव हायर रेटिंग का मतलब होता है सक्सेस होना. ठीक है, हायर रेटिंग विच मीन सक्सेस होना, यस और नो. ठीक है, सो दोस्तों दिस इज अ मीनिंग कॉल गेटिंग कंज्यूमर दिस इज अ सक्सेसफुल. मुझे लगता है कि ये वैलिड है, ये एक्सेप्टेबल हो सकता है. नंबर टू पढ़ते हैं. कार कंपनीज ट्रेडिशनली कंडक्ट एक्सटेंसिव पोस्ट मार्केट सर्वे. पोस्ट मार्केट सर्वे वो करते हैं, एक्सटेंसिव करते हैं, कम करते हैं. ये इसके बारे में बात ही नहीं हुई कि सर्वे की फ्रीक्वेंसी कैसी है, सर्वे कितनी बार किया जाता है, इस मुद्दों के ऊपर कोई बात नहीं हुई. डी बोलता है डिजाइनर्स एम टू क्रिएट फीचर्स दैट विल अपील टू स्पेसिफिक मार्केट निशिश, है ना, कुछ ही स्पेसिफिक मार्केट को इंपैक्ट करता है वैसा डिजाइन बनाते हैं. ऐसी बात नहीं हो रही है, डिजाइनर अपनी डिजाइन बनाते हैं कार के लिए. ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, वेदर दे आर टारगेटिंग टू स्पेसिफिक लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल और नॉट, वी डोंट नो. निश का मतलब होता है, है ना, एक स्पेसिफिक ग्रुप. ओके, स्पेसिफिक ग्रुप, है ना, मार्केटिंग में ये वर्ड यूज होता है, निश मार्केटिंग, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए मार्केटिंग. अ कार विल हैव अनअपीलिंग फीचर्स इफ कंज्यूमर्स आर नॉट कंसल्टेड ड्यूरिंग इट्स डिजाइन स्टेज. ठीक है, अगर उनको डिजाइन स्टेज पे
कंसल्ट नहीं किया तो उनके पास अनअपीलिंग फीचर होंगे। अभी उनको कंज्यूमर स्टेज पे इम्पैक्ट मतलब पूछा नहीं गया, और डिज़ाइनर है ना चीज़ें समझ पाता है और वो अच्छी डिज़ाइन बना सकता है तो शायद लोगों को अपील भी कर जाए, ठीक है ना। इन्होंने ऐसा बोला था कि कुछ ऐसी चीज़ों पे उनको लो रेटिंग मिल जाती है ना, अगर वो पहले से पूछ लेते तो हायर रेटिंग मिल जाती, ठीक है। सो दिस कम्स इन अ नेगेटिव साइड, ओके, सो दिस इज नॉट राइट, ओके, है ना, क्योंकि सेंटेंस पैराग्राफ में नेगेटिव साइड पे प्रूव नहीं कर रहा था, पॉजिटिव साइड से प्रूव करता था। सो ये ए और डी बहुत नज़दीक थे, डी गोज ऑन अ रॉन्ग साइड। ई, कंज्यूमर इनपुट अफेक्ट्स एक्सटर्नल रादर देन इंटरनल डिजाइन कॉम्पोनेंट्स ऑफ कार्स। कंज्यूमर इनपुट सिर्फ एक्सटर्नली अफेक्ट करता है, इंटरनली नहीं करता है, ऐसा नहीं है। इंटरनल डिजाइनर भी उनसे पूछ सकते हैं बात को, तो ये नहीं चलेगा। आंसर वुड बी ए। इज दिस कंफर्टेबल टू एवरी वन? वेरी गुड दोस्तों, दिस इज वंडरफुल, ओके, आप सबको ये बातें समझ में आ रही होगी। वेरी गुड दोस्तों, दिस इज वेरी कंफर्टेबल, आंसर वुड बी ए। देखते हैं नंबर फाइव। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी द फ्रेंच एकेडमी ऑफ आर्ट वॉज अ मेजर फाइनेंशियल स्पॉन्सर ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर इन फ्रांस। किन दो चीजों पे? पेंटिंग और स्कल्पचर। कौन फंड कर रहा था? मेजर फाइनेंशियल स्पॉन्सर वॉज, यू कैन से द फ्रेंच एकेडमी ऑफ आर्ट वॉज अ मेजर फाइनेंशियल स्पॉन्सर, ओके, ये अकेडमी स्पॉन्सर करती थी दो चीज़ों को, पेंटिंग और स्कल्पचर, ठीक है। स्पॉन्सरशिप बाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैड डिक्रीज्ड ड्रामेटिकली, प्राइवेट लोगों से जो फंडिंग आनी थी वो कम हो गई थी, बहुत कम, बिकॉज द अकेडमी डिस्करेज इनोवेशन इन द आर्ट। ये अकेडमी इनोवेशन नहीं सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। देर वॉज लिटल इनोवेशन इन 19th सेंचुरी फ्रेंच स्कल्पचर, स्कल्पचर में इनोवेशन बहुत कम था, यट 19th सेंचुरी फ्रेंच पेंटिंग शोड अ रिमार्केबल डिग्री ऑफ इनोवेशन, ठीक है। एक बॉडी फंड कर रही है दो चीजों को, ठीक है, और वही बॉडी चाहती है कि इनोवेशन ना हो, और उनमें दो चीजों के ऊपर, एक पेंटिंग और स्कल्पचर, ठीक है, दोनों पे अलग अलग इफेक्ट आ रही है, ठीक है। स्कल्पचर में कोई इनोवेशन नहीं हुआ, पेंटिंग में अच्छा इनोवेशन हुआ, क्यों ऐसा, ठीक है, यही शायद पूछा होगा, ठीक है, देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ इनोवेशन इन पेंटिंग एंड द अमाउंट ऑफ इनोवेशन इन फ्रेंच स्कल्पचर ड्यूरिंग दिस 19th सेंचुरी? क्यों यह डिफरेंस आया, ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों, समझते हैं क्या हो सकता है ना। पहला बोला इन्होंने, इन फ्रांस इन 19th सेंचुरी फ्रेंच एकेडमी गेव मोर ऑफ इट्स फाइनेंशियल सपोर्ट इन पेंटिंग देन इट डिड टू द स्कल्पचर। हो सकता है, ठीक है, हो सकता है पेंटिंग को उन्होंने ज्यादा पैसा दिया कंपेयर टू स्कल्पचर। पर यहां से मन में एक डाउट क्रिएट होता है, ये एकेडमी खुद ही है ना इनोवेशन तो सपोर्ट करती नहीं थी, तो वो जिसको ज्यादा पैसा देगी शायद वहां पे बोलेगी कि भाई आप तो मतलब इनोवेशन करो ही मत, ये भी एक डाउट हो सकता है। सो आई थिंक दिस इज लिटिल, यू कैन से प्रॉब्लमेटिक, ओके, इसको मैं ऐसे डैश करके छोड़ देता हूँ। बी पढ़ते हैं, फ्रेंच एकेडमी इन 19th सेंचुरी फाइनेंशियली सपोर्टेड अ ग्रेटर नंबर ऑफ स्कल्पचर देन पेंटर्स, बट इंडिविजुअल पेंटर्स रिसीव्ड मोर सपोर्ट ऑन एवरेज देन द इंडिविजुअल स्कल्पटर, ओके। तो फ्रेंच एकेडमी ने उस समय पे ज्यादा स्कल्पटर को मदद करी, ठीक है, कंपेयर टू पेंटर्स। सो पर पर्सन पेंटर के पास ज्यादा पैसा आया कंपेयर टू पर स्कल्पटर, और शायद उसकी वजह से इनोवेशन हुआ, ठीक है, हो भी सकता है ना, कि अगर जिसके पास ज्यादा पैसा आया है ना वो कर सकता है, चलिए ग्रेट। सी पढ़ते हैं, बिकॉज स्टोन वॉज सो मच मोर एक्सपेंसिव देन पेंट एंड कैनवास, फार मोर अनस्पॉन्सर्ड पेंटिंग्स वर प्रोड्यूस देन वर अनस्पॉन्सर्ड स्कल्पचर इन फ्रांस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये तो बहुत मजेदार सा मुद्दा निकाला इन्होंने, मतलब पेंटिंग में इनोवेशन और स्कल्पचर में इनोवेशन जरूरी थोड़ी था कि यह फंडिंग से ही आ रहा है, ये सुनो, अगर ये लोग फंडिंग नहीं करेंगे, अनस्पॉन्सर्ड लोग भी काम करेंगे, शायद इनोवेशन आ सकता है, और वहां पे स्टोन महंगा था, पेंट और कैनवास सस्ता था, तो अनस्पॉन्सर लोगों ने ऊपर बहुत काम किया, जब उन्होंने बहुत काम किया तो इनोवेशन आ गया, और वो लोग वहां पे काम नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है दिस इज फार मोर बेटर देन ऑल दी अदर्स,
है ना, अभी तीन पढ़े उनमें से तो ये बहुत बेस्ट है, ठीक है। अगर मैं आगे दो दो में कुछ मेरे को मिला नहीं तो मैं सी मार्क करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। देखते हैं डी, वेरी फ्यू ऑफ द आर्टिस्ट इन फ्रांस इन 19th सेंचुरी हु प्रोड्यूस स्कल्पचर्स ऑल्सो प्रोड्यूस पेंटिंग्स, मतलब जिसने पेंटिंग की मतलब स्कल्पचर बनाया उसने भी पेंटिंग बनाया, वो भी तो बहुत कम लोग थे, उससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ये तो कोई कम का था ही नहीं, ठीक है। ऑल दो अकेडमी वॉज प्राइमरी स्पॉन्सर ऑफ स्कल्पचर एंड पेंटिंग, द टोटल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट दैट फ्रेंच स्कल्पचर एंड पेंटर रिसीव्ड फ्रॉम स्पॉन्सर्स डिक्लाइन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, ठीक है। ये तो टोटली डिक्लाइन तो हुआ ही था, हमें तो चाहिए था इनके बीच के डिफरेंस का कारण, पैसा ओवरऑल कम आया वो तो हमें पहले से पता था, ठीक है। सो ये आंसर नहीं होगा, आंसर वुड बी सी, ठीक है, आंसर वुड बी सी। आई होप इट इज वेरी क्लियर, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आंसर दिया था दोस्तों, ठीक है। आंसर वुड बी सी इज अ परफेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर दोस्तों, दिस इज अ वंडरफुल पार्ट, ठीक है। आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, है ना। युवराज सिंह पूछ रहे हैं, सर प्लीज एक्सप्लेन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बोलता है बिकॉज स्टोन वॉज सो मच मोर एक्सपेंसिव देन द पेंट एंड कैनवास, स्टोन महंगा था, पेंट कैनवास सस्ता, ठीक है, और जिसकी वजह से पेंटिंग अनस्पॉन्सर्ड भी बहुत आई। दोस्तों ये ध्यान रखना यहाँ बहुत जरूरी था, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी था, बिकॉज एकेडमी डिस्करेज इनोवेशन इन दी आर्ट्स। अकेडमी अगर जिस चीज को ज्यादा पैसा देगी, है ना, एकेडमी जिस चीज को ज्यादा पैसा देगी और वो खुद डिस्करेज करना चाहती है, तो जिस चीज को वो ज्यादा पैसा देगी वहां तो पक्का इनोवेशन नहीं आएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो हमें यह बताना है कि भैया एकेडमी ने पैसा नहीं दिया, ठीक है, पर कहीं और जगह से वो पेंटिंग हो रही थी, सो देयरफॉर सी इज अ बेटर आंसर, ठीक है। आप देखिए ए और बी में पंगा यही है कि फ्रेंच एकेडमी ने जिस चीज को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिसको ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट किया, वहां तो वो जानबूझ के है ना इनोवेशन तो नहीं करने देगी ना, तो इसलिए ए और बी दोनों गलत हो गए। इज दिस कंफर्टेबल विथ एवरीवन, सबको ये बात समझ में आ रही है, वेरी गुड दोस्त, ठीक है। आई हैव एक्सप्लेन दिस आइडिया मिस्टर जेरोक्स रिपोर्ट, आई हैव एक्सप्लेन बी, एक बार वापस सुनिएगा उस चीज को, ओके, चलिए ग्रेट, ठीक है। आई होप दिस इज कंफर्टेबल, सबको ये बात समझ में आ रही है, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ग्रेट। सो आई एम से क्लोजिंग दिस सेशन, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी दैट आप सबको ये बात समझ में आई होगी। ये सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं, एट 4:00 वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेशन, लीगल का पार्ट, उसको देखना भूलिएगा मत, दैट्स अ वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छा सेशन है, उसको देखना भूलिएगा मत, बहुत मजा आएगा। आर्टिकल नंबर 20 और 21 को मैं अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है, चलिए ग्रेट, ठीक है। आर्य परिहार बोलते हैं, सर इन द पैसेज इट इज नॉट मेंशन अबाउट द कॉस्ट ऑफ स्टोन एंड कैनवास, देन व्हाई? रीजनिंग में जो चीज उन्होंने मेंशन नहीं करी है, ठीक है, पर इफ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कनेक्टिंग टू इट देन वी कैन टेक इट, ये आसान नहीं है, ये रीजनिंग है। Is that comfortable? Great, dosto. Thank you very much for coming here and have a wonderful day. Or do not miss out to like this video. Do not miss out to give a very positive feedback on our crash course. हमारे ऐप के ऊपर उसकी अच्छी रेटिंग दीजिए, अच्छा फीडबैक दीजिए दोस्तों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, थैंक यू। और ये चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, ओके, और ये वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।